जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए गोंडी मेहंदी क्वीन प्रतियोगिता का हुआ समापन। कानपुर नगर शनिवार को शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 22वें वर्ष गोल्डी मेहंदी क्वीन का चुनाव कानपुर शहर की 700 छात्राओं के मध्य किया गया। शनिवार को सिविल लाइन्स स्थित होटल लिटिल शेफ में कुमारी वंशिका मिश्रा को गोल्डी मेहंदी क्वीन 2022 घोषित किया गया। कंपनी के निदेशक सोम गोयनका ने बताया कि सावन के महीने में 20 शहरों में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। कानपुर शहर में ही 700 छात्राओं के मध्य फाइनल राउंड के लिए 4 विद्यालयों की 20 छात्राएं चुनी गई, जिसमें मेहंदी क्वीन वंशिका मिश्रा बनी प्रथम, आयुषी शर्मा द्वितीय, रनर श्रद्धा कश्यप तान्या मल्होत्रा बनी मेहंदी क्वीन को चांदी का ताज पहनाकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्णय का श्रीमती प्रीति शेखर, डॉक्टर सुधी व नीतू सिंह जी ने विजेता को चांदी का ताज व शैश्य पहनाया तथा निर्देशिका श्रीमती मधु गोयनका, श्रीमती रजनी गुप्ता, श्रीमती आंचल गोयनका, श्रीमती निहारिका गुप्ता, श्रीमती मुद्रा गोयनका ने सभी छात्राओं को सम्मानित किया। कंपनी के निदेशक श्री सुरेंद्र गुप्ता ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि गोल्डी प्रतिभा परिचय मंच के माध्यम से कई प्रतियोगिताएं प्रदेश में कराई जाती है। निदेशक शुभम गुप्ता व सुदीप गोयनका ने प्रधानाचार्य व शिक्षिकाओं व उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया व सभी स्कूलों की प्राचार्या व शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। शुभम गोल्डी मसाले कानपुर द्वारा गोल्डी मेहंदी क्वीन प्रतियोगिता का ये लगातार 25वां वर्ष है। कोविड पीरियड की वजह से 2 साल इसमें गैप हो गया था। अब की बार इसमें 4 विद्यालयों की लगभग 700 छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें से 20 छात्राओं का चयन हुआ। उन 20 सफल छात्राओं में से आज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
इनका चुनाव हुआ, जिसमें फर्स्ट को चांदी का मुकुट पहनाकर मेहंदी क्वीन का खिताब से आयोजित किया गया और दो रनर अप को भी पुरस्कार दिया गया। हमारे इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि यह हिंदुस्तान के लगभग 25 शहरों में एक साथ प्रत्येक वर्ष सावन में हम आयोजित करते हैं और हर स्टेशन पे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क हम नहीं लेते हैं, बल्कि सारे पार्टिसिपेंट्स को नाश्ता कराया जाता है और खाली हाथ घर नहीं जाएं, इसके लिए गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाता है। हमारा उद्देश्य एकमात्र ये है कि गोल्डी मसाले सिर्फ धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए व्यापार नहीं करता है। हमारा ये भी उसके साथ एक आयोजन है कि कोई भी वर्ग हो, छात्रों को छात्रवृत्ति हो, कोविड में इतनी ज़्यादा तकलीफ थी उसमें राशन देना है, भोजन बंटवाना है, IMA में हमने मुफ्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, भवन बनवाया है, उसी तरीके से जो आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश की संस्कृति के ऊपर हावी होती चली जा रही है, जिसके लिए हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। गोल्डी अपना धर्म निभाते हुए हमारा ये जो मेहंदी की कला है वो किसी भी प्रकार लुप्त नहीं होने पावे। किसी भी धर्म या संस्कृति में आप देख लीजिए कि मेहंदी को सबसे पहले शुभ माना गया है, मेहंदी के बिना कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता। और एक बड़े ही खुश की बात है, आप लोग को आश्चर्य होगा कि इस आयोजन से तमाम छात्राएं जो कि गरीब परिवार से हैं, जिनको फीस देना मुश्किल है, वो इस आयोजन से प्रतिभा से निकलती हैं तो इसी मेहंदी को अपना व्यवसाय बना लेती हैं, उससे अपने घर का जीविकोपार्जन चलाती रहती हैं। हमारा प्रयास यही है कि गोल्डी प्रतिभा मंच की तरफ से हम नृत्य का आयोजन, गीत गायन का आयोजन, इस प्रकार के कई आयोजन किया करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको निरंतर जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।